हेलो नमस्ते और आपका स्वागत है डेली ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन में। और ये एनर्जी चेक इन होगी 16th ऑफ अगस्त के लिए। 16th ऑफ अगस्त फाइनली डिवाइन फेमिनाइंस एक बहुत ही बेहतर स्टेट ऑफ माइंड में है, जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ खुद को चूज कर रहे हैं, बाहर के रियलिटी को ना देखते हुए डिवाइन फेमिनाइंस क्या चाहते हैं इसके ऊपर डिवाइन फेमिनाइंस के फोकस है। At this point, the concept of cancel culture is predominant in the collective vibration. So if he can really use it in a positive term, in a positive sense, in terms of twin flames, you can choose to cancel the culture of considering that there can be twin flame separation. Twin flame separation is not possible because twin flames are always one. Twin flames are always together. They are never really separate from each other. तो इस वक्त divine feminines जो है बाहर के तरफ से जो भी triggers आ रहे वो triggers के ऊपर अपने अंदर काम करने के लिए पूरे तरीके से focused है। और ये focus की वजह से divine feminine positively आगे के तरफ बढ़ रहे हैं। No matter what is coming in the way, Divine Feminine has considered to go within and considered to align herself within. Divine Feminine अच्छे तरीके से जानते हैं इस वक्त कि अगर मैं अपने inner work कर रही हूँ, अगर मैं खुद के ऊपर focus कर रही हूँ, अगर मैं अंदर जाके अपने काम के ऊपर focus कर रही हूँ, तो automatically physical reality में भी इसके रिफ्लेक्शन मुझे देखने को मिलेंगे, इसके अलाइनमेंट की एनर्जी मुझे फिजिकल रियलिटी में देखने को मिलेंगे। ये अश्योरेंस के स्टेट में डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त है। और ये अश्योरेंस के स्टेट डिवाइन फेमिनाइन के अंदर रहते हुए डिवाइन मैस्कुलाइन के जो एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलाइन एक स्टेट ऑफ अलाइनमेंट में है, जहां पे डिवाइन मैस्कुलाइन पूरे तरीके से डिवाइन फेमिनाइन के साथ यूनियन और हार्मनी के एनर्जी को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार है। डिवाइन फेमिनाइन अपने इनर वर्क कर रहे हैं और उसके रिफ्लेक्शन के जरिए डिवाइन मैस्कुलाइन इस वक्त फाइनली अलाइनमेंट में पहुंच गए हैं अपने हार्मोनियस यूनियन को चूज करने के लिए। डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन इस वक्त हार्मनी के स्टेट में है, जहां पे यूनियन के वाइब्रेशन कलेक्टिव ने अभी अटेंड कर लिया है। जिन्होंने भी इनर वर्क किया है वो सारे लोगों ने इस वक्त कलेक्टिवली यूनियन के वाइब्रेशन के मोमेंटम को पकड़ लिया है। और ये जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम में रहते हुए अब बात पेशेंस की है। पेशेंस के साथ आपको प्रोसीड करने हैं। 14th अगस्त से ये पेशेंस के एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे और इस वक्त 16th अगस्त के एनर्जी एंटर करने के जो वोटेक्स है उस वोटेक्स में एक पॉजिटिविटी की एनर्जी फ्लो कर रहे हैं, पेशेंस के साथ, कामनेस के साथ, जॉय के साथ कि चीजें सही हो जाएंगे, यूनियन इज इनएविटेबल। जो सारे फियर थे यूनियन को लेके, जो सारे फियर थे वो सारे फियर निकल गए हैं, इसलिए कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ पीस इज बींग रिस्टोर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जहां पे भी थोड़ा बहुत एंग्शियसनेस है, जहां पे भी थोड़ा बहुत टेंशन है कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, दैट इज बिकॉज यू हैवंट रियली डन द इनर वर्क। और मैं बार बार हमेशा हर एक वीडियो में कहती हूँ कि द ओनली वे टू योर यूनियन इज डूइंग द इनर वर्क। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर आर ग्रुप इनर वर्क सेशन विच वी हैव। वन इज 5 days a week एंड वन इज 2 days a week, विच इज ओनली द वीकेंड बैच। If you have work and you can only attend on weekend batch, you can definitely go for weekend batch. And if you want to attend all the sessions, बाकी के sessions, night sessions होते 11 PM से लेके 12:30 PM तक, AM तक, so you can join that also. Thursdays 11 PM to 12:30 AM, and Saturday Sunday के we have 2 batches. And we also have a Monday batch for those who are registered in all the 5 classes. So you can definitely join in and do the inner work. And that will definitely help you go to the next level.
और इस वक्त पॉजिटिविटी के साथ अपने इनर वर्क के ऊपर फोकस करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने के समय है कलेक्टिव के लिए। आप जितना अपने इनर वर्क के ऊपर फोकस करेंगे, जितना अपने इनर वर्क अपने ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर आप फोकस करेंगे, दैट ट्रांसफॉर्मेशन विल लीड टू द स्टेट ऑफ अलाइनमेंट। ओवरऑल एनर्जी आज पॉजिटिविटी के रहने वाले है। आप जितना जितने सारे ट्रिगर आ रहे वो ट्रिगर बाहर के तरफ जो भी जगह पे अपने आप के अंदर ट्रिगर पहुंचा रहे उस जगह के अंदर जाते हुए उस जगह में उस फीलिंग को प्यार कीजिए। वही फीलिंग आपके बाहर की रियलिटी को शिफ्ट करेंगे। बहुत से जन जिन्होंने सेल्फ लव नहीं किए उनके ये दिक्कत पहुंच सकते है, दर्द महसूस हो सकता है, बहुत लगता है कि बहुत पेर है, नहीं हो रहा है मुझसे। I highly recommend all of you who are going through this situation to go for the inner work sessions, and if you do not want to go for 1:1 session, you can always go for a group inner work session, and we have like plethora of services, so you can go for like any price range, whichever price range fits your need, we have services for that price range. So whatever it is that fits your need, you can definitely go for it. The key to your union is doing the work within. Aap andar jaake agar kaam nahi karenge, khud ko pyar nahi denge, it is impossible to see that reflection on the outside. And this is the time for that. Aur bahut se divine feminines hai jinke andar bahut sare dard, bahut sare issues, bahut sare upheavals, ye dard main aur nahi le sakta hu, ये दर्द में और नहीं सह सकता हूँ और मुझसे नहीं हो रहा है, ये वाले एनर्जी आएंगे। ये एनर्जी जो है पेशेंस ना होने के कारण है, और ये लैक ऑफ पेशेंस की एनर्जी है क्योंकि आप खुद को प्यार नहीं देना चाहते हो, खुद को प्यार नहीं करना चाहते हो। ये इट्स टू मच टू टेक दैट यू हैव टू लव योरसेल्फ। कहीं ना कहीं जो कोडिपेंडेंट की एनर्जी, ईगो की एनर्जी है, वो एनर्जी मानने के लिए नाराज है कि खुद को प्यार करना है। आपके अंदर जो भी एस्पेक्ट्स है जो खुद को प्यार करने से तैयार नहीं है, वो सारे जगह को आपको प्यार करना है, और वो सारे जगह को कन्विंस करते हुए वो प्यार को जो है इस वक्त आपको रिसीव करना है। जितना वो प्यार आप रिसीव कर पाएंगे, जितना वो प्यार के रिसीविंग के एनर्जी में आप रहेंगे, उतना ये पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ते हुए आप ये यूनियन के वाइब्रेशन को महसूस कर पाएंगे। यूनियन इज ऑल दैट इज। यूनियन वाइब्रेशन इज अ नेचुरल फ्रिक्वेंसी। जिन लोगों ने भी अपने ट्विन फ्लेम से, जो लोग भी मिल चुके हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हुआ करते थे अपने ट्विन फ्लेम्स के साथ, वो लोग इस वाइब्रेशन को जानते हैं। अब वापस से बहुत लोग जिन्होंने अपने इनर वर्क की है, वापस से आप जो है अपने ये वाइब्रेशन को फिर से, हो सकता है कि आप महसूस करें ये वाइब्रेशन में आप फिर से है। अब जो ये वाइब्रेशन के अलाइनमेंट है, ये जो वाइब्रेशन आप में आप वापस से है, इस वाइब्रेशन में खुद को प्यार कीजिए, खुद को पूरे तरीके से वो प्यार दीजिए। जितना प्यार में आप इस एस्पेक्ट को भर सकते हैं, जितना प्यार आप इस एस्पेक्ट को दे सकते हैं, जो एस्पेक्ट आपके लिए सबसे ज्यादा ट्रिगरिंग लग रहे हैं, वही प्यार देते हुए आप ट्रांसेंड करते हुए, लिबरेट करते हुए, एक नए वाइब्रेशनल अलाइनमेंट को अट्यून करते हुए अपने मिरेकल के फ्रिक्वेंसी के पास जा सकते हैं। आई एम अ वाइब्रेशनल कोच एंड डेफिनेटली आई फोकस ऑन वर्किंग थ्रू क्लियरिंग द लेयर सो दैट यू कैन वर्क एंड रीच इन योर हाईएस्ट वाइब्रेशनल पोटेंशियल। और जो भी जगह पे आपके अंदर ये अपीवल से, वी रियली वर्क थ्रू देम वन बाय वन, लेयर बाय लेयर इन आवर क्लासेस। So definitely as you are a part of it, you will also be able to work through those upheavals and heal those aspects and transcend and liberate and be able to call in your union frequency. जो भी जगह पे आपको बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है, जो भी जगह पे आपको बहुत से दर्द है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो जगह आपको दर्द पहुंच रही है क्योंकि वो जगह बाहर की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे है। जो बाहर से तरफ से एक्सपेक्ट करने की एनर्जी है, वो जगह को आपको समझाना होगा कि यू कैन नॉट रियली एक्सपेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड, यू कैन ओनली लव योरसेल्फ। व्हेन यू ओनली लव योरसेल्फ एंड डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग ऑन द आउटसाइड, एवरीथिंग ऑन द
outside falls into alignment, because love is all that is, only love is real. Love ke alignment mein baki sare cheeze bhi love ke saath alignment mein aa jate hai. So when you align completely to love, everything aligns for you. So bahut si reality mein aise anxiousness aayenge, aise pain aayenge, aise triggers aayenge, aise insecurities aayenge, especially karmic se related, karmic को देख के इंटीमिडेटेड होने की एनर्जी, कार्मिक के प्रेजेंस के वजह से एक पेन महसूस करने की एनर्जी, कार्मिक के वजह से एक पेन अंदर महसूस करने की एनर्जी, ये सब हो सकते हैं. लेकिन वो जो ट्रिगर आपके अंदर हो रहे कार्मिक के वजह से, कार्मिक के प्रेजेंस के वजह से जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं, उस जो आप है आपके अंदर, जो आप है, जो वो दर्द महसूस कर रहे, उस दर्द भरे आपको, आप अपने उस पेन बॉडी में आपको खुद को प्यार देने की जरूरत है. आप जितना प्यार देंगे, जितना प्यार देंगे उस एनर्जी को, जितना प्यार से भर देंगे, उतने जल्दी आप वो एनर्जी को ट्रांसेंड करते हुए एक लिबरेशन की एनर्जी में पहुंच पाएंगे एंड रीच अ कंप्लीट स्टेट ऑफ होलनेस. देयरफॉर अल्टीमेटली दिस इज द टाइम टू लव योरसेल्फ, दिस इज द टाइम टू गो विदिन एंड fill up yourself with all the love. More you choose to love yourself, more you choose to embrace yourself, more you choose to be whole with yourself, more you love those parts of you which hurts the most, that love itself will transcend and liberate you in your perfect essence. The journey is all about love. The highest form of vibration one can reach is that of radical self-love and acceptance. अब जितना ये state में रहेंगे, उतनी जल्दी ये triumphant victory की energy, success की energy आप अपने life में embrace कर पाएंगे. Wherever it is hurting, choose to love that place today, and everything else will fall in place. You're always in union. Thank you and love and light to you. Namaste.